बिहार सरकार राज्य के लोगों के लिए बहुत सी योजनाएं लागू करती है जिससे बिहार और बिहार के लोगों का विकास हो और उन्हें रोजगार और लाभ मिले। इन योजनाओं के अंदर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग आवेदन करके लाभान्वित होते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति भी पहले से बेहतर होती है। बिहार सरकार समय समय पर राज्य के नागरिकों के लिए शिक्षा संबंधी छात्रवृत्ति योजनाएं, स्वास्थ्य योजनाएं, आंगनबाड़ी केंद्र, पोषण आहार योजनाएं शुरू करती है। आज हम आपको ऐसी ही 5 योजनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे जानना आपके लिए जरूरी होने के साथ लाभदायक होगा। इसी कड़ी में चलिए जानते हैं बिहार सरकार की 5 लाभदायक योजनाओं के बारे में। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत मदद लेकर फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में कई तरह की यूनिट्स को लगाया जा सकता है। इसमें आइसक्रीम फैक्ट्री, आटा, सत्तू और बेसन उत्पादन, कॉर्न फ्लेक्स उत्पाद, जैम जेली व सास प्रोडक्शन यूनिट, पोहा प्रोडक्शन यूनिट, तेल मिल, दाल मिल, बेकरी उत्पाद, फ्रूट जूस यूनिट, हनी प्रोसेसिंग, मखाना प्रोसेसिंग, मसाला उत्पादन व फ्रूट ऑन व्हील्स और ढाबा आदि शामिल हैं। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत वैसे छोटे छोटे उत्पादों की उत्पादन इकाई को भी शुरू किए जाने में भी मदद मिलती है जो सामान्य तौर पर बाहर से आते हैं। इसमें स्पोर्ट्स जूता, स्टेबलाइजर, डिस्पोजेबल डायपर, हॉस्पिटल बेड, ट्रॉली आदि शामिल हैं। इस योजना के माध्यम से 10 लाख तक के ऋण के लिए आवेदन किया जा सकता है। बिहार छात्रवृत्ति योजना। राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई बिहार स्कॉलरशिप 2023 ओबीसी एससी एसटी योजना के अंतर्गत राज्य के पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। राज्य में बहुत से ऐसे छात्र हैं जिनके परिवार के आर्थिक स्थिति सही नहीं है जिस कारण वो अपने पढ़ाई को पूर्ण नहीं कर पाते हैं। ऐसे में छात्रों के लिए सरकार के द्वारा बिहार छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई थी। लाभ प्राप्त करने के लिए राज्य के छात्रों को योजना के लिए आवेदन करना होगा। आवेदन करने के पश्चात ही छात्राओं को स्कॉलरशिप का लाभ प्राप्त होगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप बिहार स्कॉलरशिप की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। बिहार जल जीवन हरियाली योजना। बिहार जल जीवन हरियाली योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा राज्य में पेड़ों का रोपण, पोखरों और कुओं का निर्माण करने के लिए की गई थी। जल जीवन हरियाली योजना के अंतर्गत बिहार राज्य में कई पौधों का रोपण और पानी के परंपरागत स्रोतों, तालाबों, पोखरों, कुओं का निर्माण और पुले, तालाब, कुओं की मरम्मत राज्य सरकार द्वारा कराई जाती है। इस योजना के तहत बिहार के किसानों को तालाब, पोखर बनाने और खेतों की सिंचाई के लिए सरकार 75,500 रुपए की सब्सिडी आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाती है। बिहार राज्य फसल सहायता योजना। प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को कई बार नुकसान उठाना पड़ता है। इस वजह से राज्य के किसानों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है जिससे कि वो सही से खेती नहीं कर पाते। इस समस्या का समाधान करने के लिए बिहार सरकार ने बिहार राज्य फसल सहायता योजना चला रही है। बिहार राज्य फसल सहायता योजना के अंतर्गत किसानों की फसल की वास्तविक उत्पादन में 20% तक का नुकसान होने पर प्रति हेक्टेयर 7,500 प्रदान किए जाते हैं और यदि नुकसान 20% से अधिक होता है तो प्रति हेक्टेयर 10,000 प्रदान किए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि सीधे किसान के बैंक अकाउंट में पहुंचाई जाती है। सघन बागवानी मिशन योजना। देश में किसानों के भविष्य को सुरक्षित और उनको आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कई शानदार स्कीम्स का संचालन किया जा रहा है। इसी सिलसिले में बिहार सरकार बागवानी को बढ़ावा देने के लिए एक शानदार स्कीम का संचालन कर रही है। इसका नाम सघन बागवानी मिशन योजना है। स्कीम के अंतर्गत आम का पौधा लगाने और उसकी देखभाल के लिए सरकार द्वारा किसानों को कुल 50,000 रुपए दिए जाते हैं। 50,000 रुपए की राशि किसानों को 3 किस्तों के माध्यम से दी जाती है। बिहार सरकार की इस योजना में जिक्र किया गया है कि पहले साल 30,000 रुपए दिए जाएंगे, इसके बाद दूसरे साल 10,000 रुपए की राशि दी जाएगी तो वहीं तीसरे साल भी 10,000 रुपए किसान को दिए जाएंगे। इस राशि का अनुदान किसानों को तभी मिलेगा जब किसानों के पौधे 80-90% तक सुरक्षित रहेंगे। स्कीम से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए आप किसान उद्यान की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।